उत्तर भारतीय विकास मंच की ओर से आज अहमदाबाद में आल्हा का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति में कहीं न कहीं लुप्त हो रही इस आल्हा के कार्यक्रम को जीवित रखने के लिए उत्तर भारतीय विकास मंच का ये अनोखा प्रयास किया गया। उत्तर भारतीय लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अहमदाबाद की नामी हस्तियों के साथ अन्य राज्यों से आए सांसद और विधायक ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ये पूरा कार्यक्रम उत्तर भारतीय विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें हिंदी भाषियों को एक मंच पर लाने का सबसे बड़ा प्रयास उत्तर भारतीय विकास मंच के द्वारा किया गया। उत्तर भारतीय विचार मंच की ओर से आल्हा का शौर्य गान का कार्यक्रम था, तो इसके लिए यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में बहुत बड़ा सुंदर आयोजन है और शौर्य भारत का ह्यूस्टन में भी हो रहा है, तो भारत के हर कोने में इस तरह का जश्न मनाया जा रहा है और उसमें खास करके गुजरात की भूमि में जो बस रहे हैं उत्तर भारतीय लोग, हमारे परिवार के स्वजन हैं, इसके नाते यहाँ आना हुआ है और इस कार्यक्रम के लिए भी शुभकामना। और सारे फौजदार सिंह जो कार्यक्रम देते हैं वीर रस का, बहुत बढ़िया है। आपको कैसा लगा वीर रस का, क्योंकि गुजरात देखिए वीर रस तो क्या है कि वो हर कोई के जेनेटिक में होता है, सिर्फ उसे जगाना चाहिए। ये आल्हा का कार्यक्रम शूरवीर के लोगों को जोश दिलाने के लिए, लोगों को अपने वैभव अपने इतिहास में परिचित कराने के लिए होता है। नई पीढ़ी इस लोक संस्कृति को समझे और जिसमें आज ऐसा समय आया है कि जब 70 साल की एक पीड़ा थी धारा 370 और 35 से, उस धारा 370 और 35 को खत्म करके एक सरकार ऐसी आई जिसके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने साहस किया धारा 370 हटाने का, पूरे देश में इसका जल्लोष है। हर आदमी वर्षों से कहता था कि अपनी झीलें नदियां पर्वतमाला कैसे दे देंगे, दुनिया भर की रूप सुधा का प्याला कैसे दे देंगे, वैष्णो देवी वाला अमर उजाला कैसे दे देंगे, अमरनाथ का बोलो कुंड शिवाला कैसे दे देंगे, झेलम जो पाकिस्तान में है झेलम से मिलने को गंगा का बेचैन किनारा है, कश्मीर मत मांगो पूरा पाकिस्तान हमारा है। ये हमारे उत्तर भारतीय विकास मंच की तरफ से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, सूबेदार सिंह जी ने जो आल्हा का सम्राट कहे जाते हैं और हमारे भारत की संस्कृति है, भारत का इतिहास है, हम लोग संस्कृत को जिंदा रखना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग गुजरात राज्य में हमारे उत्तर भारतीय विकास परिषद की तरफ से, विकास मंच की तरफ से एवं तमाम हिंदी भाषी संस्था की तरफ से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और हम लोग जो आल्हा का जो कार्यक्रम आज हुआ है उसको सुन करके पूर्ण रूप से अपने पूर्वजों से जो उपदेश मिलते थे आज हम लोगों ने देखा और इससे हम लोग जो है अपने आप को गर्वित हुए कि हमारा पूर्वज अच्छा रहा है, अच्छी संस्कृति की सभ्यता रही है। हम लोग तो चाहेंगे जो उत्तर भारतीय विकास मंच ने शुरुआत की अहमदाबाद में, बहुत सारे कार्यक्रम होते रहे हैं लेकिन आल्हा के रूप में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, पहला कार्यक्रम हुआ है। इससे हम सारे उत्तर भारतीय लोग गौरवान्वित हुए हैं अपनी कथाओं को सुन के और भविष्य में हम चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम होते रहे। पद्धति जो बढ़ाने की जो इन्होंने पहल करी है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबको जोड़ने की, सबको एक साथ इकट्ठा करने की और आपस में जो भाईचारा बना हुआ है ऑलरेडी उसे और मजबूत करने की जरूरत है। कई दिनों से हम लोग सोच रहे हैं कि उत्तर भारतीय विकास मंच के सानिध्य में हमारे उत्तर प्रदेश के जो सांस्कृत जीवित रखने के लिए आल्हा का प्रोग्राम रखा जाए, अमुक जो गाने और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत में जो हमारे पूर्वजों भी अमुक देखते हैं कि ख़त्म होते जा रही है और उनको जीवित रखने के लिए एक आल्हा के स्वरूप में आज हम आल्हा का प्रोग्राम रखे थे और आते दिनों में हमारे बाप दादा और हमारे पूर्वजों ने जो विरासत में हमारी संस्कृति के अंदर गाने हैं कविताएं हैं संस्कृति को जीवित रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम आवश्यक है और
मुझे गर्व है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो अपने संस्कृति को जीवंत रखने के लिए सदैव जागरूक है। संस्कृति एक ही बात ऐसी है जो पूरे राष्ट्र को एक बनाती है। हमारी संस्कृति के माध्यम से कश्मीर से कन्याकुमारी के लोग अपने को एक महसूस करते हैं, भले ही अलग अलग भाषा हो, अलग अलग देश हो, अलग अलग खुराक हो, यदि हम सब एक है ऐसे अगर अनुभूति करते हैं, उसका कारण है हमारे भगवान श्री राम ने जो संस्कृति हमें दिया है, जो जीवन की पद्धति दी है, हम सबको एक करती है। इसके लिए मैं उत्तर भारतीय विकास मंच के आयोजन आला जो है उत्तर भारत की संस्कृति का एक वीर रस का प्रतीक है और उसको लोकगीत में इसका शुमार होता है। और हमने आज उत्तर भारतीय विकास मंच की तरफ से यहाँ पर बसने वाले लाखों उत्तर भारतीयों के हित में अपनी लोक संस्कृति को भूले न की है। और जिस तरह से आधा उधर की लड़ाई आज भी लगता है कि जैसे प्रासंगिक हो, आज भी लगता है कि जैसे आज की बात हो, लोग ये विधा और ये आधा की गीत से जिस तरह से लोगों में शौर्य पैदा होता है, ऊर्जा पैदा होती है, एक जज्बा पैदा होता है, यही भारत की एक संस्कृति है, भारत की परंपरा है। उनके लिए कहना चाहेंगे कि आला जो है हमारी लोक संगीत की पहली पीढ़ी है, जहां हमारे लोक वाद्य बजते थे, इन्हीं संगीतों में बजते थे। ढोल है, मृदंग है, चंग है, सितार है, शरंगी है, तबला है, इन बाजों को सुनकर के अलग दिमाग में ऊर्जा भरती थी। और लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि इन्हीं साज बाज को सुन के देवी देवता भी आ पड़ते थे।